ईपीएस 95 पेंशनर्स फिर जागी उम्मीद, पेंशन जरूर बढ़ेगी, जल्दी देखो खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, आज की स्टूडियो में खुशखबरी बताऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आउट हो चुकी है। जी हां, फिर जागी उम्मीद, पेंशन जरूर से जरूर बढ़ेगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गुरुवार को 5 मार्च को आप सभी को पता है कि सीबीडी की मीटिंग हुई थी, उसमें कोई आपको अच्छा सुनने को नहीं मिला। न्यूज चैनल तो बता रहे हैं कि बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी। उस दिन कोई आपको सराहना वाली न्यूज नहीं मिली, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको सराहना वाली न्यूज मिलेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हेमा मालिनी ने नरेंद्र मोदी जी से आगाह किया था कि पेंशन जरूर बढ़नी चाहिए। मैं आपको वो भी बताऊंगा कौन सा आगाह किया था, किस अखबार में आया था, वो आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या रिप्लाई आया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए, वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो, ताकि ईपीएस की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आए मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। बेसिकली बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मैं 100% हूं, पेंशन जरूर बढ़ेगी, फिर जगी है उम्मीद, इस उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे नरेंद्र मोदी, मुझे लग रहा है। तो मैं आपको पेंशन की तरफ से, जो पेंशन आयोग की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आउट हो चुकी है, पेंशन जरूर बढ़ेगी 100%। तो मैं सबसे पहले वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जिसमें हेमा मालिनी ने नरेंद्र मोदी से आगाह किया था, उसके बाद वो दिखाऊंगा कि आगाह के बाद नरेंद्र मोदी जी का क्या रिप्लाई आया है। तो मैं आपको जैसा ही दिखा रहा हूँ कि न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सांसद हेमा मालिनी का आग्रह, नरेंद्र मोदी को आग्रह किया था, ये तो सभी को पता होगा। आपने बहुत सारे YouTube चैनल पे ये वीडियो तो देख लिया होगा इसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग कौन सा, इसके बाद क्या आगे से क्या नोटिफिकेशन आया है, वो इस वीडियो में बताऊंगा। क्या रिप्लाई आया है वो इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वो नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं जिसका रिप्लाई आया है इसका। बेसिकली नरेंद्र मोदी जी का तो नहीं रिप्लाई आया है, लेकिन जैसे उनका रिप्लाई आएगा मैं आप तुरंत वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कम्युनिकेशन उत्तर प्रदेश की ओर की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जहां लिखा हुआ है, उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है, माननीय सांसद हिमांशु मिश्रा उत्तर प्रदेश महोदय, आपको राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश सदस्यों की तरफ से कोटि धन्यवाद। आपकी प्रशंसा के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, जिसमें निहित निश्चित जो बुद्ध नागरिक को सम्मान के लिए आपने प्रयास कर माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसके दुर्दशा का अवगत कराया, ससम्मान से जीने का एक किरण दिखाई पड़ने लग रही है, जिसमें हाथ अपने बच्चों को खुशी देने को तत्पर होता है। आज इसके आगे हाथ फैलाने का जो दूसरों की खुशियों के लिए तत्पर रहता है, दूसरों के बच्चों की खुशियों के लिए तत्पर रहता है, वो आज हाथ फैलाने को मजबूर है। पर सिद्धि संत लोगों की, ज्यादातर लोग आज बुढ़ापे की मजबूर है, मजदूरी वो मजबूर है, आपके प्रयास को सहारा ना देते, मतलब टोटल मिला के ये बता दिया जाए आपको कि जो ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कम्युनिकेशन उत्तर प्रदेश ने हेमा मालिनी की तारीफ की है, मुझे लगता है इसके रिगार्डिंग नरेंद्र मोदी जी का जरूर से रिप्लाई आएगा। मैं इस नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बताऊंगा जब भी उनका तरफ से रिप्लाई आएगा। मेरे को क्या लगता है 101% आपकी पेंशन बढ़ेगी, आपको क्या लगता है? और आप ये जरूर से बताएं कि आप कौन से स्टेट से हैं पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, ताकि आगे न्यूज़ फॉरवर्ड करने में मुझे भी अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का धन्यवाद।